रहमान रहीम। जो आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरे हिंदुस्तान में चल रही है, हमारा जो मैनिफेस्टो है, गाँव गाँव पानी, गाँव गाँव सड़क, गाँव गाँव बिजली, घर घर बिजली, घर घर पानी, इसमें कोई शक नहीं है। इसका प्रपोजल मैंने आज से पहले 5 महीने दिया था एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को, उसमें कुछ चीज़ें पास होके आए हैं और कुछ चीज़ें भी पेंडिंग है। मैंने इस एरिया को आज आपके माध्यम से आश्वासन दिया है कि मैं 10 दिन के अंदर अंदर इस इलाके का पानी रिस्टोर करूंगा और करवाऊंगा, ये वादा है। नंबर दो, मैं इस इलाके के लिए बात करूंगा, जो पिछले सरकारें हैं, जिन सरकारों ने इस इलाके का लाभ उठाया और इनको धकेल दिया है, इस डेवलपमेंट से महरूम रखा है, मैं उनको भी आज इस मंच से यह कहना चाहता हूँ कि उनको शर्म आनी चाहिए। जिन लोगों ने इस नेते लोगों को आज तक इस्तेमाल किया है, तो विद आउट डेवलपमेंट छोड़ा है, आज तक ना यहाँ इस एरिया में कोई डेवलपमेंट हुई है उनकी ओर से, तो ना उनके ओर से कुछ हो गया है, उनको मैं आज यहाँ से इस स्टेशन, शर्म की बात यह है कि इस इलाके में आज तक ना पानी हुआ है ना सड़क हुई है, ये उनका निकम्मापन है। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी की आवाज़ में इतना कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी अपने वादे पर पाबंद है, आने वाले टाइम में सड़क भी, पानी भी, बिजली भी, तार भी, खम्भे भी, और जो खासकर एजुकेशन का मसला है, वो भी हम इंशाल्लाह मसला इस इलाके में पहुंचाएंगे।